हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आप लोगों को इनहेरिटेंस के लॉ के बारे में बताऊंगा, मेंडल के नियम के बारे में बताऊंगा। तो ग्रेटर जॉन मेंडल ने दो नियम दिए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण का नियम, और इसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। इसका फीनोटाइप रेशियो होता है 3:1 का और जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2 और 1 का। इसके अलावा ग्रेटर जॉन मेंडल ने दूसरा नियम दिया था, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। इसका फीनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:2:4:1:2:1:2:1 होता है। कई स्टूडेंट्स के मन में ये होगा कि मैंने केवल दो नियम बताए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। कई बुक्स में या कई जगहों पे आप पढ़ते हो लॉ ऑफ डोमिनेंसी, ये डोमिनेंसी इनहेरिटेंस के नियम नहीं है। ये डोमिनेंसी क्या होती है, कैरेक्टर्स होते हैं। एक ही जीन के दो एलील्स, एक ही जीन के दो एलील्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेंसी। और ये चार प्रकार का होता है, कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, को डोमिनेंसी और ओवर डोमिनेंसी। तो इसे हम नियम के रूप में नहीं पढ़ेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के कितने लॉ थे, कितने नियम थे इनहेरिटेंस के, दो। फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के 7 कैरेक्टर्स को लिया था। वो 7 कैरेक्टर्स यहाँ पर शीट से, कोटिलोम्स कलर, शीट कोट कलर, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, पोजीशन ऑफ फ्लावर और प्लांट हाइट। शीट से मतलब बीज का आकार, बीज का आकार दो प्रकार का होता है, या तो राउंड या तो रेक्टेंगुलर। राउंड मतलब गोल और रेक्टेंगुलर मतलब सिकुड़ा हुआ, ठीक है। कोटिलोम्स का कलर भी दो, या तो येलो या तो ग्रीन। सीट कोट का कलर या तो ग्रे या तो व्हाइट। शेप ऑफ पॉड, इनफ्लेटेड या कॉन्ट्रैक्टेड। कलर ऑफ पॉड, ग्रीन येलो। पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल टर्मिनल। और प्लांट हाइट, टॉल या टॉस। यहाँ पे कैरेक्टर कितने हैं, 7। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर, ये तो 7 कैरेक्टर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के चूज किए थे, ये सातों के सातों कैरेक्टर गुणात्मक लक्षण थे। क्या थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे। और प्रत्येक क्वालिटेटिव कैरेक्टर को दो स्पष्ट वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे मटर का शेप क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, तो इसे हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। मटर का शेप या तो राउंड होगा, गोल होगा, या तो व्रिंकलेट होगा, सूखा होगा, ठीक है। दो ही प्रकार के होंगे, चाहे आपके खेत से प्रोडक्शन मटर का 5 kg मिले या 10 kg मिले या 20 kg मिले। 5 kg में भी दो ही प्रकार के सेब होंगे, या तो राउंड होंगे या तो सिकुड़े हुए होंगे। 10 kg में भी या तो राउंड होंगे या तो सिकुड़े होंगे, दो ही प्रकार के सेब होंगे। तो ये सातों ऐसे कैरेक्टर थे जिनको कि स्पष्ट रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। मेंडल के नियम को और पूरी जेनेटिक्स पढ़ने के लिए हमें ध्यान से कुछ चीजों को इस क्लास में ध्यान देना होगा। पूरी जेनेटिक्स आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर जो है मेंडल के नियम में ही पूरी की पूरी जेनेटिक्स बसी हुई है। इसलिए तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये जो सातों कैरेक्टर थे, ये क्या थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर। और ये सातों कैरेक्टर केवल एक ही जीन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। सातों कैरेक्टर केवल एक जीन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक जीन के केवल 2 एलील होते हैं। ये सीट का जो शेप है, ये केवल एक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आर, अब इस आर जीन के जैसे जो कैरेक्टर है, ये एक जीन द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि आर, आर वो जीन है जो कि क्या कर रहा है, मटर के शेप को कंट्रोल कर रहा है। इस आर जीन के 2 एलील होंगे, इस आर जीन के 2 एलील होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये जो आर है, ये मटर के सेप को कंट्रोल कर रहा है, तो इस आर जीन के 2 एलील हैं, इसलिए इस सेप के भी 2 रूप होंगे, राउंड और रेक्टेंगुलर। तो कैपिटल आर होगा वो राउंड
कि प्रत्येक कैरेक्टर एक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रत्येक जीन के दो एलील होते हैं, इसलिए उस कैरेक्टर के भी दो रूप होते हैं, राउंड और वाइल्ड। अब हम बात कर लेते हैं होमोजाइगस जीन और हेटरोजाइगस जीन क्या होता है। मैंने क्या बोला, प्रत्येक जीन के दो एलील होते हैं, ये भी जीन है, ये भी जीन है और ये भी जीन है, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग है। एक जीन के दो एलील होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। ये जब किसी जीन के दोनों एलील एक जैसे हो तो उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे ये इस जीन के, प्रत्येक जीन के दो एलील होते हैं, यहां पर भी दो एलील है और दोनों क्या है, बिल्कुल एक जैसे है, कैपिटल आर कैपिटल आर, होमोजाइगस। यहां पर भी इस जीन के दो ही एलील है लेकिन वो दोनों भी क्या है, एक जैसे ही है, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, पर ये डोमिनेंट एलील के लिए होमोजाइगस है और ये रिसेसिव एलील के लिए होमोजाइगस है। यहां पर देखिए, यहां पर भी एक जीन के दो ही एलील है, कैपिटल आर स्मॉल आर, पर अलग अलग है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। तो ये क्या हो जाएगा, हेटरोजाइगस। जब किसी जीन के दोनों एलील्स अलग अलग होते हैं, जैसे यहां पर, उसे हम हेटरोजाइगस जीन बोलते हैं, विषम युग्मज। और जब किसी जीन के दोनों एलील एक जैसे होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले, मैंने बोला था कि एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया था, उसके बाद दो कैरेक्टर, उसके बाद तीन कैरेक्टर, उनके सफल होने का सबसे बड़ा कारण था। अब हम मेंडल के पहले नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। जब किसी एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जब दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल का जो पहला नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर के केवल एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया था, सीड शेप। इसलिए इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो जब उन्होंने एक कैरेक्टर लिया मटर के शेप, यहां पे कितने कैरेक्टर हैं, केवल एक, दो कैरेक्टर नहीं है। आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा था मैं पढ़ लिया, ये जो राउंड शेप और वाइलेट शेप है, शेप कैरेक्टर क्या है, केवल एक चीज का शेप। चूंकि इस कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है आर, और उस जीन के दो एलील हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, डोमिनेंट और रिसेसिव। चूंकि उस जीन के दो एलील हैं, इसलिए उस जीन द्वारा जिस कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है उस कैरेक्टर के भी दो रूप होंगे, राउंड और वाइलेट। तो यहां पर शेप कैरेक्टर केवल एक है, मटर का शेप, उस कैरेक्टर के दो रूप हैं, राउंड और वाइलेट। क्लियर। राउंड से जो जीन है आर, उसका डोमिनेंट एलील पैदा करता है, और जो वाइलेट शेप है, सूखा चिपका हुआ बीज है, वो शेप रिसेसिव एलील स्मॉल आर पैदा करता है। ठीक है। अब डोमिनेंट एलील किसे कहते हैं, रिसेसिव एलील किसे कहते हैं, तो हेटरोजाइगस स्थिति में, किसी जीन के हेटरोजाइगस अवस्था में होने पर जो एलील अपना प्रभाव प्रकट करता है उसे डोमिनेंट एलील कहते हैं, और जो एलील अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है उसे हम रिसेसिव एलील बोलते हैं। ये जीन हेटरोजाइगस अवस्था में है क्योंकि इसके दोनों एलील अलग अलग है। अब यहां पर कैपिटल आर क्या करता था, राउंड, अकेले होने पर कैपिटल आर राउंड पैदा करता था और स्मॉल आर वाइलेट पैदा करता था, लेकिन जब दोनों एक साथ है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों एक साथ है, तो केवल कैपिटल आर ही अपना इफेक्ट पैदा कर रहा है, अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है, तो कैपिटल आर क्या होगा, डोमिनेंट एलील होगा, और स्मॉल आर क्या होगा, रिसेसिव एलील होगा। तो जब ग्रेगर जोहन मेंडल ने एक राउंड शेप वाले पौधे का क्रॉस वाइलेट शेप वाले पौधे के साथ कराया, तो यज्ञ में उन्हें जितने भी पौधे मिले सब क्या थे, राउंड शेप के थे। ठीक है, 50-50% दोनों के आए। लेकिन F2 में, मतलब जब F1 पौधे पर गैमेट्स बने, ये क्या है, ये पौधा है, ये क्या है, पौधा है,
ये भी क्या है मटर का पौधा है और ये भी क्या है मटर का पौधा है। इसका जीनोटाइप कैटल आर है और इसका जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल आर। जब दोनों का क्रॉस कराओगे, क्रॉस कैसे कराया है मटर में, इस पौधे में मेल और फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट थे, तो मेल पार्ट को उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया मैच्योर होने से पहले ही। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमास्कुलेशन। तो इमास्कुलेशन किया, ठीक है, और उसके बाद ये जो आपका वाइलेट है इसके मेल पार्ट इस राउंड वाले फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर डाला, मतलब कि इसको प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं पोलिनेशन, तो यहां पे क्रॉस पोलिनेशन कराया है। तो ये कुछ पूछे किन दोनों में, हम पहले पढ़ते हैं कि मेंडल ने राउंड शेप वाले का वाइलेट शेप वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया। तो क्रॉस कैसे कराया, वाइलेट वाले के पोलिन ग्रेन को मेल पार्ट को राउंड वाले पौधे के फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर डाला, क्रॉस पोलिनेशन कराया। तो जब राउंड शेप वाले का क्रॉस वाइलेट शेप वाले पौधे के साथ कराया तो इसके ऊपर जो बीज बने वो क्या होंगे, राउंड शेप के होंगे सारे के सारे, ये फल में होंगे, ठीक है। तो ज्यादा वो करना सके चलते सीधे सीधे कि जब राउंड शेप वाले का क्रॉस वाइलेट शेप वाले पौधे के साथ कराया गया तो यफ़न में सारे के सारे पौधे हमारे राउंड शेप के मिले, जिनमें बीज क्या थे राउंड शेप के थे। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल आर डोमिनेंट था और कैपिटल आर क्या करता है राउंड शेप पैदा करता है, ठीक है। लेकिन जब यफ़न पौधों पे गेमेट्स बने, मतलब यफ़न पौधों पे जब सेल्फ पोलिनेशन हुआ तो ये आपको मिला। अब ये चक्रवर्त कैसे बना, ठीक है, तो देखिए ये पौधा क्या है यफ़न का कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हम क्या करा रहे हैं इसमें सेल्फ पोलिनेशन। यहां पर हमने क्रॉस कराया था, मेल यहां से आया था और फीमेल यहां से आया था, लेकिन यहां पर क्या है सेल्फ पोलिनेशन होगा, तो मेल भी इसी पौधे का होगा और फीमेल भी इसी पौधे का होगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो फीमेल भी दो प्रकार के जीनोटाइप में मिलेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, और मेल भी इसी पौधे का है तो वो भी दो ही प्रकार के जीनोटाइप में मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये हो गया फीमेल कैपिटल आर स्मॉल आर और ये हो गया मेल कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब क्रॉस होगा तो इसको उठाओ, इन दोनों में से एक को लो कैपिटल आर, कैपिटल आर उसके नीचे लिखो कैपिटल आर स्मॉल आर उसके नीचे, फिर इसको पकड़ो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर, तो डोमिनेंट एलील को पहले लिखते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर इसमें है ना, स्मॉल आर कैपिटल आर, लेकिन हम पहले डोमिनेंट को पहले लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए कैपिटल आर क्या करता था राउंड से, ये क्या हो जाएगा राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या करता था भाई, कैपिटल आर क्या करता था राउंड से और कैपिटल आर स्मॉल आर क्या करता था, यहां देखो वो भी राउंड से तो ये भी राउंड हो जाएगा, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब ये भी राउंड हो जाएगा, और ये है स्मॉल आर स्मॉल आर, ये सिकुड़ा हुआ बीज पैदा करेगा फ्रैंकलेट। तो तीन क्या मिले हमको गोल और एक क्या मिला सिकुड़ा हुआ, तो फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ 3:1, तीन गोल और एक सिकुड़े हुए। फिनोटाइप क्या होता है, जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई देता है, जो स्वरूप हमें बाहर से दिखाई देता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप, है ना। तो ये दो जब फिनोटाइप तीन गोल मिले और एक सिकुड़ा हुआ मिला, लेकिन जीनोटाइप रेशियो क्या मिला 1:1, मतलब ये देखो एक दो तीन गोल तो है लेकिन इनका जीनोटाइप दो प्रकार का है, एक जो गोल है उसका जीनोटाइप कैपिटल आर है मतलब होमोजाइगस है, जबकि ये दोनों जो गोल है इनका जीनोटाइप क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इनके दो इन दोनों में क्या है जीन क्या है हेटरोजाइगस है, क्योंकि इसके भी एलील अलग-अलग है कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके भी अलग-अलग है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये दोनों हेटरोजाइगस है और ये क्या है होमोजाइगस है। मिले तीन गोल लेकिन दो प्रकार के जीनोटाइप, एक होमोजाइगस और दो हेटरोजाइगस, तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, ये अलग ये अलग और ये दोनों एक, तो 1:1 1:1 ये हो गया जीनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो किसे कहते हैं, तो किसी फिनोटाइप के उत्पन्न होने के लिए जो जीन और उसके एलील उत्तरदायी होते हैं
उसे हम उसका क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जैसे ये राउंड शेप है तो इस राउंड शेप का जीनोटाइप क्या है, राउंड शेप क्या है, बाहर से दिखाई दे रहा है कि राउंड है पर इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कैपिटल आर क्या होगा, इसका जीनोटाइप। लेकिन यहां पर ये राउंड है, बाहर से राउंड दिखाई दे रहा है लेकिन इसका जीनोटाइप चेंज है, क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो किसी फिनोटाइप के दिखाई देने के लिए या उत्पन्न होने के लिए जो जीन तथा उसके एलील्स उत्तरदायी होते हैं उन्हें उस फिनोटाइप का जीनोटाइप कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया मेंडल का पहला नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि जब एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसलिए जब एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो F1 में माता पिता दोनों के 50-50% आते हैं और पड़े रहते हैं, तथा जो डोमिनेंट होता है वो अपना कैरेक्टर पैदा करता है। यहाँ डोमिनेंट कौन है, कैपिटल आर, वो अपना कैरेक्टर पैदा कर रहा है। परंतु जब F1 पौधों पर गैमेट्स बनती हैं तो ये एक दूसरे से अलग होकर 3:1 के फिनोटाइप रेशियो और 1:1 के जीनोटाइप रेशियो में मिलते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, ये सेग्रीगेशन हुआ क्यों, F1 में ऐसा क्या होता है यहां पर सेग्रीगेशन हो जाता है, क्वेश्चन बनता है भाई। पैरेंट एक प्लांट तो हमने लिया था जिसका जीनोटाइप था कैपिटल आर कैपिटल आर, और एक लिया था जिसका जीनोटाइप था स्मॉल आर स्मॉल आर। तो F1 में ऐसा क्या हुआ कि यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर क्यों मिला, चलो भाई ये पैरेंट था, स्मॉल आर मिला, चलो ये भी एक पैरेंट में था, पर ये तो पैरेंट में नहीं थे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कहां से मिल गए, ऐसा क्या हुआ बीच में कि ये दो कैरेक्टर नए बन, दो जीनोटाइप नए बन गए, ठीक है। सेग्रीगेशन ये कैसे बने, नए कारण क्या है के बनने का, सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन होता कैसे है, तो जो सेग्रीगेशन का कारण होता है क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन का कारण होता है क्रॉसिंग ओवर, जो कि मियोसिस फर्स्ट मियोसिस के फर्स्ट प्रोफेज, फर्स्ट मियोसिस की जो प्रोफेज स्टेज होती है उसमें पैकेटिंग स्टेज में होती है, डिप्लोटीन डिप्लोटीन पैकेटिंग है ना, डिप्लोटीन जाइगोटीन पैकेटिंग डिप्लोटीन और डायगेनेसिस, पांच सब स्टेजेस होती हैं फर्स्ट प्रोफेज में। तो उसमें जो पैकेटिंग स्टेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर ही क्या है, सेग्रीगेशन होने का कारण है। वही क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो ये दोनों नए कैरेक्टर नहीं बनेंगे, उस स्थिति में हम उसे क्या बोलेंगे, लिंकेज। एक नया चैप्टर होता है ना, सब मेंडल के नियम में ही है, ध्यान से पढ़ना है। तो F1 में कैरेक्टर आते हैं और F2 में सेग्रीगेट होते हैं, क्यों होते हैं, कारण क्या है, सेग्रीगेशन। और सेग्रीगेशन क्यों होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के कारण, और मियोसिस सेल डिवीजन में ही सेग्रीगेशन क्यों होता है, माइटोसिस में क्यों नहीं होता है, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन की फर्स्ट प्रोफेज में जो पैकेटिंग स्टेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का पहला नियम, क्या होता है जब एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेकर जब क्रॉस कराया तो F1 में उन्हें माता पिता दोनों के कैरेक्टर 50-50% आए, और जो डोमिनेंट था उसने अपना कैरेक्टर पैदा किया। लेकिन F2 में भी एक दूसरे से 3:1 की फिनोटाइप रेशियो और 1:1 की जीनोटाइप रेशियो में हमें दिखाई देते हैं अलग होकर, ठीक है। तो ये रहा ग्रेगर जॉन मेंडल का पहला नियम आया सेग्रीगेशन, जिसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 का और जीनोटाइप रेशियो 1:1।